कोरोना काल में बल्लभ राज के महाविद्यालय मंडी में चल रही यूजी की परीक्षाओं को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा उचित व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। छात्रों की थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन से आने वाले छात्रों के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। वहीं बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य ने जानकारी दी है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोरोना महामारी के कारण कंटेनमेंट जोन से आने वाले छात्रों की परीक्षा के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं। मैं आपको अपने आपको आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसके लिए हमें हायर अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि 18 तारीख को एग्ज़ाम जो 18 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी डेट जो है आने वाले समय में नोटिफाई हो जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी या कॉलेज को मेल कर दी जाएगी। हम कॉलेज वाले जो हैं उसको अपने वेबसाइट पे डाल के बच्चों को बता देंगे। और कल ही हमें एक और इंस्ट्रक्शन आई थी, उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है 19 तारीख ऑनवर्ड जो शेड्यूल था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का वो वैसे ही होगा, यानी जैसे डेट शीट बनी थी उसी डेट शीट के अनुसार जो है पेपर होने थे और आज उसी कड़ी में पेपर हुए भी। उन बच्चों को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दिया था और क्योंकि हम सीटिंग प्लान जो बनाते हैं बाहर तो लगाते ही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना रखे थे हमने उसके अंदर उस सीटिंग प्लान को डालते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट पूरा फॉलो किया हुआ है। बच्चों को भी हम गाइड करते हैं कि आपने एक दूसरे से टच नहीं होना है ताकि किसी तरह का संक्रमण फैल ना सके और बच्चे को तभी हम कॉलेज कैंपस में एंटर होना देते हैं। पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग होती है और थर्मल स्कैनिंग के बाद हम उसको सैनिटाइजर उसके हैंड वॉश कराते हैं या हैंड सैनिटाइज कराते हैं और उसको गाइड करते हैं कि आपने आपका सेंटर कहाँ पे है वहाँ पे बच्चे जाते हैं। वो अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और बच्चों ने भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। हमारे टीचर्स हमारे जो सीनियर्स लोग हैं वो भी पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और इस मुहिम में हम लोग का काफ़ी हद तक कामयाब हुए। जो जानकारी मैं एक चीज़ और लाना चाहता हूँ जो आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जो हमारे कुछ लिमिटेड सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA डिपार्टमेंट है BCA है तो उसमें एप्लीकेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ तो उन बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो हम 22 तारीख 2 बजे तक अपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, जो पोर्टल हमारा बना हुआ उसके ऊपर डाल देंगे वो, या फिर वो कॉलेज को भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनका नंबर आया है कि नहीं आया हुआ है और उसके बाद हमें इनके 3 दिन का इनको समय देंगे फीस जमा कराने की, अदरवाइज़ अगले बच्चे को वो सीट ऑफर की जाए। जो प्रॉपर हम जो हमारा तरीका है इनका वही हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आज से इसके ऊपर हमारे मेरिट लिस्ट बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।